हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको गेंदे के फूलों से बहुत ही बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र या जिसे कहें कि एक फंगीसाइड का काम भी करेगा, बहुत ही ज़बरदस्त देख हम आपको टॉनिक देने वाले हैं, जिसका प्रयोग करके आप खुद भी हैरान रह जाओगे कि आपने जो है किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है और किस प्रकार से इसको जो है तैयार करना है। दोस्तों, आप जानते हैं गेंदे का फूल कौन सा लेना है अपने? गेंदे का फूल छोटे वाला लेना है जिसमें मुश्क बहुत हो। लेकिन ये आजकल जो मार्केट में बहुत बड़े बड़े गेंदे के फूल हैं, वह जो है बहुत ही उसमें इतने अच्छे आपका फर्टिलाइज़र तैयार नहीं होगा जितना कि ये मुश्क वाले जो हैं, यानी कि मैरीगोल्ड के फूल जो है इससे प्राप्त होता है। ये मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने वाला हूँ। यदि आप चाहें तो इसका दूसरा फर्टिलाइज़र भी सूखे वाला बना सकते हैं, जो ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। ये दोस्तों इस प्रकार से जो है हम इसमें पानी में डाल करके रख देंगे इनको, और जो इसके जो है लिक्विड तैयार होगा वह हमारे पौधे के लिए ग्रोथ प्रमोटर बहुत ही ज़बरदस्त होगा। उसका रिजल्ट भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो उसने काम किया है इसने, और इसको हम 15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे डाल के। और यदि हमारे पास वेस्ट डिकम्पोज़र है तो वह बहुत जल्दी इसको कंपोज करेगा, और आप जो है खुद देख लें कि इसका जो है कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है सिस्टम, इसको आप जो है 15 दिन के लिए इसको अंदर डुबा के छोड़ दें। ये दोस्तों मेरे पास नॉर्मल पानी है, क्योंकि अभी मैंने वेस्ट डिकम्पोज़र जो है वो तैयार नहीं किया हुआ, और इसको सर्दियों में 7 दिन, गर्मियों में 7 दिन और सर्दियों में 15 दिन के लिए छोड़ दें। और इसका जो है हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रकार से जो है आप इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा कि यह जो है अपना रस इसमें छोड़ देगा, और उसका जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एंजाइम तैयार होगा, और वह पौधे के लिए एक फंगीसाइड का काम करता है। यह बहुत ही ज़बरदस्त फंगीसाइड है और एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका जो है काम है दोस्तों। ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है, फंगीसाइड का भी काम करता है, और आप इसका प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा 15 दिन के बाद जो है एक तरीके से ग्रोथ प्रमोटर और यानी कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। अभी और भी जो है इसमें थोड़ा समय लगता, और समय के लिए इसको हम इसको रखेंगे, लेकिन इसको बनाने के बाद एक ध्यान रखें दोस्तों कि इसको जो है आप बनाने के बाद 15 से 20 दिन तक ही इस्तेमाल करें। और 1 लीटर किसी पौधे में आप डालें तो 1 लीटर में 100 ml से ज़्यादा ना डालें, और 100 ml डाल के दोस्तों आपने, जैसे आपका पौधा 2 से 3 फुट की हाइट का है तो उसमें आपने 100 ml डाल के 1 लीटर पानी में उसका छिड़काव कर देना है। और एक बात और ध्यान रखें, इसको जो है आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, यानी कि स्प्रे वगैरह में भी यूज़ ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा, बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए, ये मैंने पहले इसमें जो है आम के पौधे में इसका प्रयोग किया था, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे थे, और इस सर्दियों में भी जो है इसने, आप खुद देख लीजिए कितना अच्छे पत्ते कैनोपी बना रहे हैं, और आप हैरान रह जाएंगे कि इसका जो है प्रयोग यदि आप करते हो तो कितने ज़बरदस्त जो है इसके, मैंने पहले इसमें इस्तेमाल किया था दोस्तों, अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो अभी मैं जो है इसमें नहीं डालूँगा क्योंकि ये मैं यूज़ कर चुका हूँ, और इसी का रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि सर्दियों में, आज है 15 दिसंबर, और इस सर्दी में आम के पत्ते ने इतनी अच्छी, देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी ली है, इसका ही कारण है ये कि मैंने जो है इसमें अच्छे से ये फर्टिलाइज़र जो है दे दिया था, जिसका कि ये नतीजा हुआ दोस्तों। और आपके सामने है दोस्तों, देखिए कितने अच्छे अच्छे पत्ते निकाल चुका है ये आम, और मैंने ये यूज़ करने के बाद ही जो है आप दोस्तों के लिए ये वीडियो तैयार की है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।